देखते हैं। जेएनयू के बाद अब एनआईटी में छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा पूरे देश में गरमाने लगा है। जेएनयू कैंपस में एबीवीपी के छात्रों ने जम्मू में हुए छात्रों पर हमले के विरोध में एनआईटी के डायरेक्टर का पुतला फूंका है और पुतला फूंक रहे छात्रों का कहना था कि एनआईटी के डायरेक्टर वहां के छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। कैंपस में पुलिस आकर छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि जेएनयू कैंपस में जिन छात्रों पर देशद्रोह का आरोप लगा था उसके चलते दिल्ली पुलिस को दो दिनों तक कैंपस में नहीं आने दिया गया, लेकिन जम्मू में जो लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं उन्हें वहां की पुलिस कैंपस में घुसकर मार रही है। एबीवीपी के छात्रों का दावा है कि भले ही जम्मू में भाजपा की सरकार हो लेकिन छात्रों के साथ अन्याय होगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि छात्रों को जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं होगा। स्मृति ईरानी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब एनआईटी कैंपस जल्द पहुंचने की बात कही है। फिलहाल छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा नहीं दी गई तो पूरे देश में एबीवीपी प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। मुद्दे की बात आएगी तो हम आपके साथ है, क्योंकि पूरे इस मामले को अगर हम देखें तो जो लोग जो छात्र भारत के समर्थन में जाके नारा लगाए थे, जिन लोगों ने भारत के तिरंगे को वहां पे लहराया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर उनको सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता है तो सरकार कोई भी रहे, हम सड़कों पर उतरेंगे। ये ऐसा हमारा पूरे देश भर में एक अपना प्रोटेस्ट जारी रहेगा, लेकिन हम लोग की यही मांग है कि जिस तरीके से वहां पे अभी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक हमारे छात्रों को मारा गया है, हम उन तमाम छात्रों के साथ हैं और उन तमाम पुलिस अधिकारियों को ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो हम जम्मू कश्मीर के जो तमाम वैसे वहां के जो लोग हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हमने एनआईटी डायरेक्टर जिन्होंने पुलिस को अलाउ किया, यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे जब यहाँ पे जो कल्प्रिट थे सेडिशन चार्जेस जिसमें थे वो इस कैंपस के अंदर रहे और यहाँ पे दो दिन तक पुलिस अंदर नहीं आई। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एनआईटी कैंपस के अंदर जिन्होंने पूरा नारा लगाया था, जो है भारत तिरंगा लहराया था, उनको किस तरह वहाँ पे पीटा जा रहा है, पुलिस अंदर कैसे गई, ये हमारा क्वेश्चन है।